So, hello guys, this is Jay and you are watching my channel Jay Tech. So guys, in today's video I'm going to talking about important conclusions about UPSEE counseling, right? तो कुछ important conclusion के बारे में बात कर रहे होंगे यार. बहुत सारे लोगों के लगातार doubts थे, मैंने सारे doubts पढ़े. आपके जो most important doubts थे वो ये थे कि आप एक ऑल इंडिया के, आप जो है होम स्टेट में लाई करते हो, आप उत्तर प्रदेश में, आपका यूपी का कोटा मिला हुआ है, आप यूपी जीई कैंडिडेट हो या यूपी बीसी हो, यूपीएससी हो, ठीक है, आप यूपी के कैंडिडेट्स हो. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, जो आपकी जो सीट अलॉटमेंट हुई है उसमें कई बार तो आप ओबीसी थे तो आपको जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया, आपको जनरल पे सीटें मिल गई हैं, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन हुआ था उस समय भी आप ओबीसी काउंट किए गए थे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सही हुआ था, ठीक है. दूसरे किस्म के वो लोग थे जिनके जिनको जो यूपी के होम स्टेट से बिलोंग करते थे बट उनकी जो सीट अलॉटमेंट हुई गाइज वो ऑल इंडिया रैंक पे हो गई, तो इसका रीजन क्या था? तो इसका रीजन मैंने पता करवाया, तो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा, ठीक है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँगा. तो सबसे पहले यार होम स्टेट वाले की बात कर लेते हैं, जो होम स्टेट से बिलोंग करते थे, जिनके लिए यूपी होम स्टेट था बट जो उनको सीट अलॉट हुई वो ऑल इंडिया पे हुई. इसका रीजन ये था कि जब आपने चॉइस फिलिंग की तो आपने चॉइसेस फिल में कुछ ऐसे कॉलेज भरे जो नीचे में भरे जो आपको ऑल इंडिया रैंक पे मिल रहा था. तो यूपीएसडब्ल्यू ने क्या किया इस बार कि ऑल इंडिया रैंक पे भी आपको वो कॉलेजेस अलॉट कर दिए, ठीक है. मान के चलिए मेरे एक सब्सक्राइबर का एग्जाम्पल लेता हूँ जो अभिनीश है, जिनको ये पता चला, ठीक है, तो प्रॉपर लखनऊ गए थे बात करने के लिए. मैंने ही उनको डिस्कस किया था कि आप यहाँ जाके बात करिए, तो उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई. तो उन्होंने क्या किया था, उनको गलगोटिया चाहिए थे तो गलगोटिया की सीएससी टॉप पे रखी, गलगोटिया की आईटी टॉप पे रखी, और उसके नीचे उन्होंने गलगोटिया की ईसी भी लगा दी एक बैकअप के लिए. जो कोई भी स्टूडेंट करेगा कि ठीक है मेरे को आईटी नहीं मिली तो ईसी मिलेगी जिससे मैं फ्लोट करूंगा. बट हुआ क्या कि उनकी रैंक काफी अच्छी थी लेकिन उनको ईसी अलॉट कर दी गई. ऑल्दो ईसी का जो कट ऑफ होम स्टेट के लिए था वो काफी ऊपर खुल रहा था, ओपनिंग रैंक काफी ऊपर खुल रही थी उनसे, लेकिन उनको ईसी अलॉट कर दी गई जो है ऑल इंडिया रैंक पे. इसका रीजन उन्होंने पूछा तो यही बताया गया, क्योंकि आपको ईसी ऑल इंडिया रैंक पे मिल रही थी इसलिए उन्होंने अलॉट कर दिया. आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे. तो इसलिए आपको चॉइस फिलिंग जो है वो उसी अकॉर्डिंग करनी है, कि ऐसा मत भर देना कि आपको होम स्टेट से वो मिल रहा है तो वो आपको होम स्टेट से अलॉट कर देंगे. ये जो सारी प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट राउंड में रिजॉल्व कर दी जाएगी. कुछ एरर्स भी हुए यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग में, कुछ लोगों को जो है कोटा नहीं मिल पाया, तो सारी ही प्रॉब्लम वो नेक्स्ट राउंड में, आपको जो सेकंड राउंड है आज से स्टार्ट है, उसमें सारी ही प्रॉब्लम आपकी जो है वो रिजॉल्व होने वाली है गाइस. तो ये क्यूरी था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, चाहे आप ओबीसी से जनरल बन गए हो तो ये भी प्रॉब्लम आपकी जो है सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है. ये उनकी प्रॉब्लम है जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आई है, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आई है तो उनका सॉल्यूशन नहीं है ये, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है और आपने फर्स्ट राउंड में ऐसा हुआ तो ये सेकंड राउंड में पॉसिबल है कि आप लखनऊ जाके जो AKTU की यूनिवर्सिटी है वहां पे जाके अगर प्रेजेंटली आप जाओगे तो वहां पे चांसेस हैं कि आपको दोबारा से ओबीसी में काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी. ऐसे यार बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मेरे पास आए जो मुझसे डाउट्स पूछ रहे थे कि मुझको सीट अलॉट नहीं हुई फिर भी मुझे पे करना है. मैंने ये सारी चीज़ें कवर की हुई थी, लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जिन्होंने ऐसा मिसगाइडेंस वाला वीडियो बनाया कि आपको 20,000 तब भी पे करना है जब तक जब आपको सीट नहीं भी मिली हो. ऐसा कोई नहीं है, अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था तो वहाँ पे करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था. बहुत सारे लोग काफ़ी परेशान रहे पे करने के लिए, क्योंकि बस पे करने का ऑप्शन नहीं है, काउंसलिंग से कहीं बाहर ना हो जाए, ठीक है ना. ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आया था गाइस, तो इसका आपको बहुत केयर करना है. आई होप कि आपके थोड़े बहुत डाउट्स कवर हुए होंगे. इस जो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग है बहुत बेनिफिशियल होने जा रहा है आपके लिए, आप उसका पूरा एडवांटेज लीजिए. कट ऑफ भी थोड़ा अच्छा जाएगा, फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में. फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कट ऑफ काफ़ी हाई हो जाता है, ठीक है. सेकेंड राउंड में फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में काफ़ी कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस बात का आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है. तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.